अस्सलाम वालेकुम। मैंने कभी इस टाइप की वीडियो नहीं बनाई, लेकिन कल जुमे के बाद जब नमाज़ पढ़ के आए तो एक वीडियो मोबाइल पे आई जिसमें ये वीडियो दिल्ली के अंदर लोग की बताई जाती है, जिसमें पुलिस वाले ने बड़ी ही शर्मनाक हरकत की है। इसमें वो नमाज पढ़ रहे लोगों पे हाथ उठाते हुए दिखा, उसने लात भी मारी और बड़ी बदसलूकी के साथ बात की है। मस्जिद में जगह ना होने के कारण और नमाज़ पढ़ने के कारण लोगों ने सड़क के किनारे नमाज़ पढ़ने की कोशिश की, और जुमे की नमाज़ ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 7 मिनट तक की होती है। तो सबसे पहले मैं ये चाहूँगा कि ये बताएं कि इनको हाथ उठाने का हक किसने दिया, कोई वारंट हो या कोई परमिशन इनको गवर्नमेंट की तरफ से मिली हो। इस वीडियो के बाद मैं वो वाली वीडियो आपके साथ शेयर करता हूँ, आप इस वीडियो में ध्यान से देखिए। आप देख सकते हैं कैसे लात मार रहे हैं सस्ते में लोगों को, ये देखिए ये थप्पड़ भी मार रहे हैं इनको, ध्यान से देखिए। तो पुलिस वाला कौन है ये, कम से कम सस्ते में थे, देख सकते हैं भाई लोग, सस्ते में थे भाई लोग, जितने भी नियत कर रखे थे इसने लात मार रहा है, पुलिस वाले ने लात मार रहा है और मुसलमानों को मार रहा है, ये इधर लोग की वीडियो है। हिंदू मुस्लिम दंगे करवाना चाहते हैं, आप खुद बताइए इसमें किसकी गलती है। प्लीज़ आपके कमेंट पॉजिटिव आए तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। आप देख सकते हैं इन्होंने कैसे नमाज पढ़ते लोगों को मारा है।